उत्तर कोरिया द्वारा बुधवार को 23 मिसाइल दागे जाने के बाद एक दक्षिण कोरियाई द्वीप पर हवाई हमले के सायरन बजाए गए और लोगों को भूमिगत बंकरों में ले जाया गया। उत्तर कोरिया की तरफ से दागी गई मिसाइल में एक की दिशा एक दक्षिण कोरियाई द्वीप की ओर थी। हालांकि वह मिसाइल दोनों प्रतिद्वंदियों की समुद्री सीमा के पास गिरी। दक्षिण कोरिया ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उसी सीमा क्षेत्र में अपनी मिसाइल दागी। वहीं इससे कुछ घंटे पहले ही उत्तर कोरिया ने चल रहे दक्षिण कोरियाई अमेरिकी सैन्य अभ्यास के विरोध में दोनों देशों को धमकी दी थी कि उन्हें इतिहास में सबसे भयानक कीमत चुकानी पड़ सकती। उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियारों का उपयोग करने की धमकी दी थी। वहीं हालांकि अमेरिका ने कहा कि उत्तर कोरिया के प्रति उसका कोई शत्रुतापूर्ण इरादा नहीं है और उसने उत्तर कोरिया की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने के लिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। इसके बाद दक्षिण कोरिया ने कहा कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी और पश्चिमी तटों से कुल 23 मिसाइल दागे हैं। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि 17 मिसाइल में से एक ने दक्षिण कोरिया के द्वीप की दिशा में उड़ान भरी, लेकिन वह दोनों प्रतिद्वंदियों की समुद्री सीमा के पास गिरी। दक्षिण कोरिया ने कहा कि उसने द्वीप के लिए हवाई हमले का अलर्ट जारी किया है, लेकिन कुछ घंटों के बाद साउथ कोरियाई सेना ने द्वीप पर हवाई हमले का अलर्ट वापस ले लिया है।